एक टैक्सी बड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन में एंटर होती है। गाड़ी जैसे ही रुकती है, ड्राइवर तेजी से दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर भागता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, सब के सब दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी से एक बैग निकाला जाता है, बैग की तलाशी ली जाती है, जिसके अंदर एक मासूम दम तोड़ चुका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन खबर की क्राइम सीरीज में। आज की कहानी उस गोवा मर्डर केस की कहानी है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि कैसे एक माँ ने अपने ही 4 साल के बच्चे को मार दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? ये कहानी शुरू होती है 39 साल की एक महिला सूचना सेठ से, जो बेंगलुरु में रहती है और एक बेहद पढ़ी लिखी महिला है, जिसने फिजिक्स में ऑनर्स किया है, संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यहाँ तक कि उसने आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी की। और उसके बाद उसने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा माइंडफुल एआई लैब। अब 6 जनवरी 2024 को सूचना अपने 4 साल के बच्चे के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है और बेंगलुरु से सीधा गोवा के लिए फ्लाइट लेती है। गोवा पहुंचने के बाद वो कैंडोलिम बीच के पास एक होटल बुक करती है जिसका नाम था सोलन बनियान ग्रैंड होटल। करीब 6, 7, 8 जनवरी तक ये अपने बच्चे के साथ गोवा में रहती है और पूरा गोवा घूमती है। लेकिन फिर 8 जनवरी की रात को ये होटल के रिसेप्शन में फोन लगाती है, कहती है कि मुझे एक टैक्सी बुक कर दो। रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? वो कहती है कि मुझे बेंगलुरु जाना है। रिसेप्शन में जो व्यक्ति मौजूद था वो कहता है कि मैडम, अगर आप टैक्सी से बेंगलुरु जाएंगी तो आपको करीब 12 घंटे का सफर करना होगा। इससे अच्छा है आप फ्लाइट ले लीजिए, वो सस्ता भी पड़ेगा और आप 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगी। लेकिन सूचना सेठ कहती है कि मुझे टैक्सी से ही जाना है, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप टैक्सी बुला दीजिए। रिसेप्शनिस्ट टैक्सी बुक कर देता है और रात के करीब 1 बजे होटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है। सूचना रात के 1 बजे होटल से चेकआउट करती है और सारे स्टाफ को टिप वगैरह देकर फिर वो अपने एक बैग के साथ टैक्सी में जाकर बैठने वाली होती है कि तभी होटल स्टाफ पूछता है कि मैडम, आपके साथ एक बच्चा भी आया था, वो कहाँ है? तो वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया है और कुछ ही दिन में वो वापस आ जाएगा। सूचना गाड़ी में बैठकर वहां से बेंगलुरु के लिए निकल जाती है। अब 9 जनवरी की सुबह जब होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ साफ सफाई करने पहुंचता है तो उसी दौरान उस कमरे की सफाई करने भी जाता है जहां पर सूचना सेठ रुकी हुई थी। बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद जैसा ही हाउसकीपिंग का स्टाफ फर्श पर नजर घुमाता है तो वहां पर उन्हें खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तुरंत होटल का स्टाफ इसकी खबर मैनेजर को देता है। मैनेजर को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए बिना देर किए हुए होटल का मैनेजर कलंगुट पुलिस स्टेशन पर इसकी खबर दे देता है। कुछ ही देर में होटल में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस भी देखती है कि ये वाकई में खून के डब्बे हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि इस कमरे में आखिर कौन रुका हुआ था। तब पता चलता है कि इस कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी जो बेंगलुरु से आई थी, लेकिन रात के 1 बजे उन्होंने चेकआउट कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं, चलिए उनकी डिटेल्स निकालिए, वो कहाँ से आई थी और बेंगलुरु वापस कैसे गई। होटल स्टाफ बताता है कि वो टैक्सी से गई है। ये बात पुलिस वालों के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन इसके साथ ही होटल वाले ये भी बताते हैं कि जब वो आई थी तब उनके साथ एक बच्चा था, लेकिन जाते समय कोई बच्चा नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ दिया। पुलिस वालों को शक होता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। पुलिस तुरंत उस टैक्सी वाले का नंबर निकालती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि टैक्सी होटल की तरफ से ही बुक की गई थी और बड़ी आसानी से नंबर मिल जाता है। पुलिस वाले टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो महिला ट्रेवल कर रही है उन्हें फोन दो। पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि आपके साथ एक बच्चा आया था, वो कहाँ है? इस वक्त सूचना बिल्कुल भी नहीं घबराती, वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया है, वो बाद में वापस आ जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं कि आपने जिस रिश्तेदार के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ा है उनका एड्रेस दे दिए। वो बेखौफ होकर एक एड्रेस पुलिस वालों को देती है। पुलिस वालों को लगता है कि वो शायद सही कह रही है, वो फालतू में ही शक कर रहे थे। लेकिन फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके कमरे में खून के धब्बे दिखाई दिए थे, वो कहाँ से आए? तो वो कहती है कि असल में मेरे पीरियड्स चल रहे थे, उस वजह से शायद खून के धब्बे वहां पर आ गए होंगे, लेकिन उसका जो भी चार्ज बनता है कमरे की सफाई वगैरह का वो मैं बाद में दे दूंगी। पुलिस वालों को लगता है कि ये महिला सही बोल रही है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के मन में एक शक तो पैदा हो गया था, इसलिए वो उस एड्रेस की जांच करते हैं और एक कांस्टेबल को उस एड्रेस पर भेजा जाता है। लेकिन कई देर तक ढूंढने के बाद कांस्टेबल को वो एड्रेस नहीं मिलता, एड्रेस फेक था। पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब पुलिस वाले फिर से उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करते हैं और एक ऑफिसर ड्राइवर से कहता है कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कहां पर पहुंचे हो। वो कहता है कि साहब, मैं अभी चित्रदुर्ग पहुंचा हूं।
ऑफिसर कहता है कि एक काम करो, तुम वहां के किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत पहुंचो और वहां पर जो कोई भी पुलिस वाला मिले उसे तुरंत मेरी बात करवाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी गाड़ी में जो महिला बैठी है उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर ना हो। और अगर तुम्हें वहां के पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं पता है तो चाय के बहाने रुको, किसी से पूछो कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, और वहां पर पहुंचकर जो भी पहला पुलिस वाला मिले उससे मेरी बात करवा दो। ड्राइवर समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा लफड़ा है। वो रास्ते में चाय पीने के बहाने रुकता है, पता करता है कि पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है। इसके बाद ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए सीधा आई मंगला नाम के पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। गाड़ी में बैठे बैठे वो गोवा के उस पुलिस वाले को फोन मिला देता है। पुलिस स्टेशन में गाड़ी को रोकते ही दौड़ते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो पहला पुलिस वाला दिखता है उससे वो गोवा पुलिस की बात कराता है। गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से कहती है कि जो महिला गाड़ी में बैठी हुई है तुरंत इसकी जांच कीजिए, क्योंकि हमें उस पर शक है। जिस होटल में वो रुकी थी वहां पर खून के धब्बे मिले हैं, इसके साथ साथ उसके पास जो बैग है उसकी भी तलाशी लीजिए। पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ तुरंत उस गाड़ी की तरफ दौड़ता है। महिला पुलिस कांस्टेबल सूचना सेठ को गाड़ी से बाहर निकालती है और उसके बाद उसकी जांच शुरू होती है। फिर गाड़ी की डिक्की से बैग निकाला जाता है जो सूचना सेठ अपने साथ लेकर आ रही थी। सूचना सेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। बैग को खोलने के बाद ऊपर में कुछ कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उन कपड़ों को हटाया जाता है पुलिस वाले जितने भी वहां पर मौजूद थे सब के सब दो कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उस बैग में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। इसके तुरंत बाद पुलिस स्टेशन का स्टाफ सूचना सेठ को कस्टडी में लेता है और तुरंत गोवा पुलिस को इसकी खबर देता है। गोवा पुलिस कहती है कि हमारी टीम आपके पास पहुंच रही है, तब तक आप उस बच्चे की लाश को पास के ही सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रख दीजिए और उसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए। थोड़ी देर बाद गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और ट्रांजिट रिमांड देकर सूचना सेठ को वहां से लेकर गोवा की तरफ निकल जाती है। गोवा पहुंचने के बाद अब शुरू होती है पूछताछ। सूचना सेठ से पूछा जाता है कि तुम आखिर कैसी माँ हो, तुमने आखिर अपने 4 साल के बच्चे को क्यों मारा। तब वो बताती है कि 2010 में मेरी मुलाकात वेंकट रमन नाम के एक शख्स से हुई, हम दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर 2010 में हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2019 में सूचना सेठ ने एक बच्चे को जन्म दिया। 2020 तक सब कुछ बढ़िया था, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया बीत रही थी, लेकिन फिर कोरोना आया। कोरोना के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे, दोनों में अब बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। एक दूसरे से दोनों बेहद ज्यादा नफरत करने लगे थे, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और डाइवोर्स भी फाइल कर दिया। मुकदमा चल रहा था और फिर 2023 में न्यायालय की तरफ से यह फैसला आया कि वेंकट रमन जो बच्चे का पिता है वो महीने में 4 बार अपने बेटे से मिल सकता है और इस बीच सूचना बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। अब वेंकट अपने बच्चे से मिलता है। अब एक 4 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि तलाक क्या होता है, माता पिता दोनों अलग अलग क्यों रहते हैं। बच्चा बिल्कुल अनजान था, लेकिन जब कभी भी वो अपने पिता से मिलता था तो बाद में जब वो अपनी माँ के पास जाता था तो अपने पिता को बहुत याद करता था। इसके अलावा वेंकट भी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब भी वो अपने बेटे से मिलता था वो बेहद खुश होता था, लेकिन ये खुशी सूचना को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने पूर्व पति से इतना ज्यादा नफरत करने लगी थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने तय किया कि अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो वेंकट की खुशी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसलिए वो फ्लाइट लेकर बेंगलुरु से गोवा गई। वहां पर उसने अपने बच्चे का गला दबाया और बैग में लेकर उसे वापस बेंगलुरु जा रही थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर उसने अपने बच्चे का गला दबाया तो होटल के रूम में खून के धब्बे कहाँ से आए। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हाल ही में बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि बच्चे की मौत सांस रुकने की वजह से हुई है, और बाद में सूचना ने बताया कि जब उसने अपने बच्चे को मार दिया तो उसने फिर अपने नस भी काटने की कोशिश की, जिसकी वजह से खून के धब्बे वहां पर पड़े हुए मिले। उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान दे सके। इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि अपने बच्चे को मारने से पहले उसने बच्चे को कफ सिरप पिलाया था, जिसकी वजह से बच्चा अचेत हो गया और अपने आप को बचाने के लिए वो संघर्ष नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी सूचना सेठ की, जो एक पढ़ी लिखी महिला, एक AI एथिक्स। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतना बड़ा दुष्कर्म कर सकते हैं। आपकी इस घटना पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बिल्कुल इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नवीन खबर की क्राइम सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।